जहाँ तक देखिए वंदे मातरम का ताल्लुक है, वो इट इज अगेंस्ट द इस्लाम, वी कैन नॉट फॉलो इट। अपने बयानों और तीखे तेवरों के लिए जाने जाने वाले संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का मंगलवार को 94 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने मुरादाबाद के सिद्ध हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। बता दें पिछले कुछ समय से उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था। शफीकुर रहमान बर्क 5 बार लोकसभा चुनाव में अपनी जीत दर्ज करा चुके थे। इस बार भी सपा ने उनका नाम अपनी पहली लिस्ट में ही जारी किया था। बर्क राजनीति के दर अपने बयानों की वजह से भी काफी चर्चा में रहते थे। ऐसा ही वाक्या 2013 में लोकसभा में हुआ था। तब संसदीय कार्रवाई के आखिरी पलों में सदन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बजाया गया। जैसे ही वंदे मातरम बजना शुरू हुआ तब सभी सांसद अपनी सीट पर खड़े हो गए, लेकिन इस बीच शफीकुर रहमान बर्क सदन से वॉकआउट कर गए। इस पर देश भर में खूब हंगामा मचा था। इस पर उन्होंने कहा था कि वंदे मातरम इस्लाम के खिलाफ है, हम इसे कभी नहीं मानेंगे। ऐसे ही कई मौकों पर शफीकुर रहमान बर्क अपने बेबाक और बिगड़े बोलों की वजह से सुर्खियों में रहे हैं। हिजाब को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया था, यहाँ तक कि तालिबान की तुलना भारत के स्वतंत्रता सेनानियों से कर दी थी। मैं भारत के इख्तदार आला और सालमियत को बरकरार रखूंगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ उसके फराइज वफादारी से अंजाम दूंगा और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिंदाबाद। और जहाँ तक देखिए वंदे मातरम का ताल्लुक है, वो इट इज अगेंस्ट द इस्लाम, वी कैन नॉट फॉलो इट। हम तो यही चाहते हैं कि भाई हिजाब रहना चाहिए। अगर हिजाब नहीं रहा तो क्या असर पड़ेगा लड़कियों पर? भाई समाज पर बुरा असर पड़ेगा और इसीलिए इस्लाम ने समाज के अंदर बहरहाल ये जब लड़कियां जवान होने लगें तो उस वक्त हिजाब के लिए कहा गया कि चूँकि बेपर्दा रहने से और उधर लड़के भी जवान होते हैं तो समाज का माहौल ख़राब होता। हमारा देश जब अंग्रेज़ों के कब्ज़े में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी अब अमेरिका ने कब्ज़ कर रखा, पहले रशिया में था, फिर जगह जगह उनका भी कब्ज़ा, वो भी आज़ाद रहना चाहते हैं, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते हैं। ये तो उनका पर्सनल मामला है, इसमें हम क्या दखल देंगे। बता दें शफीकुर रहमान का जन्म 11 जुलाई 1930 को हुआ था। उन्होंने चौधरी चरण सिंह के साथ राजनीति की शुरुआत की थी। वो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक भी रहे थे। उन्हें देश भर में मुस्लिमों की आवाज बुलंद करने और ईमानदार छवि के लिए जाना जाता था। उन्होंने समाजवादी पार्टी के गठन के समय से ही मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर काम किया था। वो सपा के फाउंडर मेंबर भी कहलाते थे। उन्होंने साल 1996, 1998 और 2004 में सपा से मुरादाबाद लोकसभा सीट पर 3 बार जीत दर्ज की। इसके बाद बसपा के टिकट पर संभल लोकसभा से 2009 में जीतने में कामयाब रहे। इसके बाद 2019 में उन्होंने सपा के टिकट पर संभल से ही दोबारा जीत दर्ज की थी। हालांकि 1999 में मुरादाबाद सीट और 2014 के लोकसभा चुनाव में वो संभल सीट से महज 5,174 वोटों के अंतर से हार गए थे।